और कामात क्रोध भी जाएगी। आपका मेरे साथ संग हुआ तो मेरा आपके साथ संग हुआ। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि भाई मैं होटल मोटल चलाऊ, नहीं चला सकता, नॉट पॉसिबल। और आपको ऐसा संग के बाद लगे कि भाई चलो ये बटुक भाई जाए, उसके बाद मैं भी कथा शुरू कर दूं, नॉट पॉसिबल। तो वो नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध होता है। किसी को देखकर उसका संग करते हैं, उनके जैसे करने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा नहीं कर पाते हैं, तो संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध आता है। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधी व्यक्ति सम्मोहित होता है, वो एडवर्टाइज आदि में बात बात में आ जाता है। अब वेरी वेरी अच्छे लोग हैं। सम्मोही होते और सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम होती है सम्मोहित लोग की, याददाश्त कम हो जाती है। और याददाश्त कम होती फिर क्या होता है? जिससे लेना होता है उसको दे आते हैं, और जिसको देना होता है उसके यहां उधार करने जाता है। भूलना स्मृति विभ्रम है, और स्मृति विभ्रांत बुद्धिनाश हो, और बुद्धिनाश हो चलिए प्रभु बल खल तल दुख प्रभु सुख आये ना भरिया जल राज अपने बुद्धि विपति की का हनुमंत विपति प्रभु सो जब तब सुमिरन भजन न हो वेदिक पात प्रचात जानकी विपु जीत आनंदी जानकी सुन कभी तो समान उपकारी नहीं को सुर नर यदि उपकार करो का तो रासन मुख होई न सकत मन मो सुन सुत तोई उरिन में नाई देखो करी विचार मन माई कुनि कुनि कति हिच तव सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति जाता मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु पावन। ए दोहा बहुत अद्भुत। निमिष का अर्थ होता है कि आठ मटमटाना, हम एक मटका लगाते हैं, मटका गुजराती मटका हिंदी में कहते हैं, आंख मटकना, मटकना थोड़ा सही शब्द नहीं है, पलक पलक झलकना, पलक झलकना ये सही शब्द है, लटका मटका झटका वो अलग चीज है। ये काम के शस्त्र है, शिव महापुराण में काम ये तीनों को लेके आया साथ। जब शंकर को परास्त करना था ना तो अपने तीन दोस्तों को लेकर आया, एक का नाम था लटका, एक का नाम था झटका, एक का नाम था मटका। लटका मटका झटका, यह निमिष की बात हुई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु एक निमिष सीता के लिए कलप समान है, सीता के अति विपत्ति विशाल, सीता के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया, अति विशाल विपत्ति है, समय भी जा रहा है, विपत्ति में दुख में एक सेकंड एक घंटे जैसी लगती, काटा है बीता क्यों नहीं, और आनंद में पूरा घंटा चला जाता है पता नहीं चलता। प्रभु निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप संबीत देख की चलिए प्रभु आनिय भुज खल भुज बल खल दल चित। क्या शब्दों की बराबर है? भुज बल खल दल चित लिखने का प्रयास करोगे गाना है बेग चल ये प्रभु भुज बल खल दल चित। ये तुलसी का मजा है, और इसलिए आज भी रामायण के लोग चाहने वाले अपूर्व है, पूरा रामायण का पाठ करते हैं,
सूर्य सीता आदि प्रभु सुख अयोध्या भरी आए जल राजीव है। सीता का वर्णन सुनकर प्रभु राम की आंखों में जल बिंदु निकल आई और प्रभु राम ने कहा कि हनुमान जी महाराज वचन कार्य मम्न मम गति चाहे। जिसका वचन कार्य और मन मेरी ओर गति करता है, सपने बुझिय विपत्ति की ताहि। मन मान वाणी और कर्म से जो प्रभु राम की अनन्य भक्ति करता है हनुमान जी महाराज, उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती। क्या तो आती है तो छोटी होके चली जाती है। बच्चन कहा सपने हूं बुझिए विपत्ति की ताहि। उसको तो सपने में भी नहीं आती है। ये जो होता है ना हमारे साथ, वो छोटे छोटे अकस्मात है। विपत्ति क्या है? विपत्ति की व्याख्या भगवान राम ने यहां पर की है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ये इसको विपत्ति कहते हैं कि जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन नहीं होता है उससे सब बड़ी विपत्ति संसार में कोई नहीं। हमारे पास दो चार खिलौना आ जाए, हम उसमें मस्त हो जाए और भगवान को भजन को मंदिर को भूल जाए तो वो सबसे बड़ी विपदा है। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु ही जीती आदि भी जाने। जामोद जी कहते हैं प्रभु राम जी शीघ्र ही भगवती को छुड़ा के ले आएंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी। प्रभु राम ने हनुमान जी की कृतज्ञता व्यक्त की कि आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। सुनो कभी तो ही समान उपकार नहीं को सुर नर मुनि धनुधारी। कोई सुर कोई नर कोई मुनि कोई शरीरधारी नहीं कर सकता है वैसा कार्य आपने किया है। मैं आपकी उसके बदले में क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। प्रति उपकार करो का दौरा सन्मुख हो सकत मन मोरा। आपने इतना बड़ा काम किया है कि उसके बदले में मैं हनुमान जी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे शर्म आती है। कई बार हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है इतना बड़ा काम करके चला जाता है, फिर हमको विचार आता है उनको क्या दे। हनुमान राम जी कहते हैं कि मैं आपके प्रति उपकार क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नानक लगती है। सुरसुत तो ही उरिन में ना ही देखे हो करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुरता दार रोचन नील पुलक अतिकार। हनुमान जी महाराज राम जी के वचनों को सुनकर आंखों में से पुनः पुनः अश्रु की धारा बहाते आचार्य तुलसी से देखते हैं। सुनी प्रभु वचन मिलो की मुख गात हरषि हनुमंत, चरे चरण परे प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवन। बार बार कब चाही उठावा, प्रेम मगन के ही कुछ बन पावा। हर पंकज कपि के सीता, सुमिर सुदसा मगन गौरी। सावधान मन कर पुनि संग, लागे कहन कथा अति सुंदर। अति उठाई प्रभु हृदय लगा, कर गई पर मन कट बैठा। कहु कपि रावण पालित लंका, ओह विधि कयउ दुर्ग अति भंका। जाना हनुमान भोला वचन विगत हनुमान, साका मृग ते बड़ी मनुसाई। साका ते साका पर जाई, नादि सिंधु हाटक पुर जारा। उजारा सो सब तव प्रताप रघुराय, नाथन कछु मोरी प्रभु ताई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजि बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर। आचार्य तुलसी देखते हैं सुनी वचन प्रभु बिलो की मुख। प्रभु का मुख देखा हर्षित मुख,
गात हर्षि हनुमंत हनुमान जी की, सराहना की, हनुमान जी को आनंद हुआ। मगर हनुमान जी को लगा कि मेरा बखान कुछ ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा बखान होता है तब व्यक्ति फूल जाता है, और गुब्बारा जब फूल जाता है तब फूट जाता है। तो हनुमान जी ने सोचा ये फूलने वाली बात है। हनुमान जी महाराज राम के चरण में गिर गए, चरण परे उपरे माकुला त्राही त्राही, प्रभु बस कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, यदि हम होते तो सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, पहले तो खुद थपथपाते अपनी पीठ, फिर सम्मान समारोह रखवाते, अपने पैसों से अपने मित्रों से बोलते आप मेरा साल उड़ाना, इसको ये करना, ऐसे काफी सम्मान समारोह मैंने देखे। बुलाते हैं महाराज जी आपको आना है, गुरु जी आपको आना है, आप क्या करेंगे, खुद सर्टिफिकेट छाप के वहां पे रखते हैं, गुरु जी ने हमारा सम्मान किया। साहब जब तक हूं है, मैं हूं, आए हूं, तब तक प्रभु कहते तू अपना संभाल के बैठ, तुलसी गली है साकरी दोनों दास समान, तू है तो तू अपना निपटा करे, भगवान के मेरे क्या काम है। प्रभु का प्रवेश तब होता है जब मैं चला जाता है। हमारी पहले दिन बात हुई थी कि भगत के चरण जो पकड़ लेता है उसकी मुक्ति पहले होती है, मगर बात बात में वो बात चली गई, पहले दिन की बात याद आई। वो हाथी गजेंद्र नामक हाथी, इतना बात हुआ, फिर बाद में वो तालाब में स्नान करने गया, मगर ने उसका पैर पकड़ा, तो पानी में हाथी की ताकत काम नहीं आई, बच्चे परिवार सब चले गए, फिर कोमा में गया, जाने तो छोड़ दो, रिहैब में जैसे डाल देते ना, मुझे पता नहीं इसका अर्थ कुछ गलत हो तो क्षमा कर देना, मगर एक बार आशा छूट जाए कि किस काम का नहीं, भी मरने वाला है तो पब्लिक को भी परिवार वालों को बहुत रस नहीं होता है, घर पे वो रोटला तोड़ना, घर पे बैठना, क्या कर दी। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है साथ, उनकी सात पुश्तों में भी कभी दुख नहीं आता। जिन मात पिता की सेवा करी, ओ जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया न किया, जिनके द्वारे पर गंग बहे। साहब सुबह उठते आप भगवान का नाम गाओ, रघुपति राघव राजा राम गाओ, अनवाष्ट अष्टक गाओ, कमल सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाई, श्री राम जय राम जय जय राम। कभी गा के देखो अकेले अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर, और जोर से आवाज पूरी निकालेगा, वो आर्टिफिशियल निकालेगा, कहीं भी हमारी आदत क्या हो गई, हम बोलते हैं तो स्लोली बोलते हैं, हम प्रोटोकॉल वाले बहुत हो गए, खुल के जीते नहीं है, खुल के बोलते नहीं, खुल के खाते नहीं, खुल के अपना ओपिनियन नहीं रखते, इसको गलत ना लगे, अरे लगे तो लगे, एक रोटी ज्यादा खाएंगे, मगर इसका अर्थ नहीं अपमान करते क्यों। सवार हुआ थे दो चार चौपाई, जो भी आती चौपाई नहीं आती है दोहा गाओ, दोहा नहीं आता है, मगर हम सुबह में कर दर्शन नहीं करते हैं, प्रभाते बगल में रखते हैं, प्रभाते कर दर्शन शैल दर्शन, और सुबह में होता है फलानी भाई का खून हो गया, अरे तारू पलो साल का, उन्होंने उसको चीट कर दिया, तो
भगवान पहले भगत के जो पैर पकड़ते उनको मुक्ति दी। ये गजेंद्र नाम का हाथी ग्रस्त हो गया और अंत में एक जव भार यानी कि 5-7 सेंटीमीटर, नहीं 10 एमएम सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेंटीमीटर का दसवां भार ये जव होता है, आंखों भार और जव जव तल अवन में वो उमते ना, जव जव क्यों उमते मालूम है, बात निकली है तो जव का हवन करने से क्या होता है, लक्ष्मी का विनाश होता है, अनिष्ट लक्ष्मी के विनाश के लिए, खराब लक्ष्मी के विनाश के लिए, मगर जव की मात्रा बहुत कम रखनी, या तो किसी को निर्धन करना है तो जव का हवन कराए, ऐसा मत करना है तो मजाक कर रहा हूं। तो जो भर सूंड मार रही, अब उसको ज्ञान आया कि मेरा कोई